भगवान भी विचार करे तो सर्व समर्थ होते हुए भी अप्राप्त नहीं हो सकते, सामर्थ्य नहीं है। अप्राप्त हो जाए, किसी से अलग हो जाए, ये सामर्थ्य नहीं है। सर्व समर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है, कमजोर है भगवान सर्व साइज विषय में। कैसे अप्राप्त कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगा? कोई उपाय नहीं, भगवान के पास उपाय नहीं। है जो गति है, उसका अभाव क्या हुआ, उसमें कमी क्या आवे, उसमें रीता पर क्या आवे, है जो गति है वो बिल्कुल मौजूद नित्य निरंतर रहने वाला। अब उस तत्व को प्राप्त क्या करे, कैसे करे, ये हुआ जीव का स्वरूप। अब ध्यान देना, अब दूसरी बात बताता हूँ। ये तो आ गया ना ध्यान में, ये तो परमात्मा का वर्ण हुआ। अब आत्मा का वर्ण बताता हूं। जीवात्मा चाहता है कल्याण, और वो 84 लाख जूनी में भुगतता है। ऋषि स्वाय भूत प्रेत पिशाच के उतार देवतार यक्ष राक्षस किन्नर कई है, 84 लाख से अधिक है, अलग है। ये भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुजक है, कूष्मांड है, काल है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, ऐसे जो गुणी है, ये कई चीजें हैं। इनमें सब जीव भटकता है। अब वो जीव परमात्मा को प्राप्त होना चाहता है, तो प्राप्त का उपाय क्या है? प्राप्त का उपाय आत्मज्ञान है। और ये बताया परमात्म ज्ञान और वो आत्मज्ञान है। अब आत्मज्ञान क्या है वो सुनो कृपा करके। मनुष्य बना, पशु बना, पक्षी बना, देवता बना, राक्षस बना, असुर बना, भूत बना, प्रेत बना, पिशाच बना। सुन लिया ना? इसमें क्या रहा? सत्ता रही, सत्ता एक रही, शरीर एक नहीं रहा, स्वभाव एक नहीं रहा, आदत एक नहीं रही, व्यवहार एक नहीं रहा, लोग एक नहीं रहा, ये सब बदल गए, परंतु सत्ता दूसरी नहीं हुई। पूरा जीव पशु बनता है, पक्षी बनता है, देवता बनता है, यक्ष बनता है, राक्षस बनता है, असुर बनता है, ये तो बनता है, परंतु सत्ता बदलती नहीं है। सत्ता बदल जाए तो काम हो जाए। कभी कभी तो मैं बोलता हूँ कि मरता नहीं, मर जाए तो पापो ही कट जाए, नहीं जन्म मर मिट जाए, पर मरता है नहीं, करे क्या, बड़ी मुश्किल ही हो गई। ये मरता है ही नहीं, रहता ही रहता है ये, तो वो सत्ता रहता है वो ही तो रूप धारण करता रहता है। अगर नहीं रहता कौन धारण करे, तो सत्ता रूप हुआ या इसका असली रूप सत्ता हुआ होना पर ये इसका रूप हुआ। इसको शंका तो बोल दो, शंका की बात है नहीं, सीधी सारी बात है। जैसे परमात्मा तत्व ज्ञान में कोई शंका नहीं, ऐसे आत्मज्ञान में भी कोई शंका नहीं। आत्मा सब वो एक है ही रहता, मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है, यक्ष है कि राक्षस है, किन्नर है कि भूत है कि प्रेत है कि पिशाच है, बैताल है कि जोगिनी है, क्या है वो एक भीतर में सत्ता ही सत्ता है। पशु में पक्षियों में जाए तो मैं सत्ता ही जाएगी। भूत ग्राम से ए वायम बीत गए तभी वही है भूत समय, भूत ग्राम से वायम भूतवा भूतवा प्रलिय थे, भूतवा भूतवा प्रलिय थे, शरीर और सैव सत्ता उसकी एक ही रही, वो सत्ता है। वो सत्ता और यह परिपूर्ण परमात्मा की सत्ता ये एक है। यह अद्वैत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सत्ता सत्ता एक है। जीव की उपाधि का न्यारा है, उपाधि छोड़ो तो सत्ता है एक, सत्ता परमात्मा सत्ता है, उसके साथ में सत्ता की सदा एकता है। ममई वांसु अंश क्यों है कि प्रकृति के अंश अहम को पकड़ा, इस वास्ते ये अंश है। अगर प्रकृति के अहम को न पकड़े तो सत्ता ही सत्ता है, सत्ता ही सत्ता केवल सत्ता की सेवा।
होना पर के सिवाय कुछ नहीं है, वो होना पर है जो का जो विद्यमान है, ऊपर नीचे बाहर भीतर धीरे का जाए एक सत्ता ही सत्ता ही सत्ता। अब जितनी कल्पना आती है वो भी सब कल्पना है, अरे उसमें होना पर नहीं ये सत्ता है, होना पर कल्पना नहीं है, कल्पना का आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, आधार है, आश्रय है, जीवनदाता है, सब कुछ जीवनदाता राम है, जो का जो है सभी से जीवन मिलता है, ऐसी तो जीवन मिलता है मैं सब सत्ता एक हो जाती है। ये जीव की सत्ता अलग मुक्ति चाहते हैं, मानो सामान्य सत्ता में मिले हुए मुक्त है, सदा सदा ही मुक्त है, कभी बद्ध हुआ ही नहीं, अरे बद्ध हुआ तो फिर मुक्त होगा नहीं, अरे मुक्त है तो बंधन हो नहीं सकता कभी, वो तो है सही मान्यता है बंधन की, वो आपने घर की वो छोड़ दो छोड़ा मैं मुक्त एकदम परिपूर्ण संसार। अरे जीव मात्र उसके अधिकारी है, मनुष्य मात्र तो अधिकारी है ही, मात्र जीव ही, क्योंकि सत्ता में सब एक हो जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस महा महान क्रूर से क्रूर जीवों को भक्षण खा जाए सब ऐसा, वो में भी सत्ता ही है, और दयालु से दयालु महात्मा से महात्मा तत्व की जीव मुक्त प्रेमी भगवान के प्रेमी वो सत्ता में, सत्ता में सभी है, और वो सत्ता वो परमात्मा सत्ता से सदा अभिन्न है, वो एक तत्व परिपूर्ण सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन ठोस भूमा असल शाश्वत अमल भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस परिपूर्ण तत्व है। और उसमें क्या तू परिश्रम है, क्या इसमें दुर्लभता है, क्या इसमें कठिनता है, अरे क्या इसमें परोक्षता है, परोक्ष ज्ञान होता है, फिर अपरोक्ष होता है, अरे मोक्ष को साक्षात दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, इसमें दृढ़ अदृढ़ हो ही नहीं सकता, संभव नहीं, तब तुम अदृढ़ कैसे हो, दृढ़ होता है, होता है दृढ़ होता है, नहीं होता तो नहीं होता है, होता तो सास दृढ़ है, अभ्यास से होता अभ्यास दूसरे का होता है, तत्व दृढ़ तत्व तो है जो वो है, और अभ्यास के रस्ते तत्व है जो वो है, अभ्यास में क्या करोगे आप, क्या गया हो गए, क्या ले जाओगे, है यू है जो का जो भाई ओ सब शांत। अब इसमें शंका हो बोलो, दो ही शंका होती, परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा ज्ञान हुआ, और जीव ये निरंतर रहता है जनता मरता है जीव हुआ, वह सत्ता समान इसकी सत्ता समान, और इस जीव और ये व्यापक भाव छोड़ा तो सत्ता सत्ता सब एक सत्ता ही सत्ता है, सत्ता के सिवा कुछ नहीं, वो सत्ता है, सत्ता का ज्ञान भी सत्ता को ही है, और सत्ता में आनंद ही आनंद है, विक्षेप है ही नहीं, विकल्प है ही नहीं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय है नहीं, उसमें किसी तरह का विक्षेप है ही नहीं, कोई हलचल उसमें है ही नहीं, इस वास्ते आनंद रूप है, केवल आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप ईश्वर से जीव विदासी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख है स्वाभाविक दुख का अत्यंत अभाव है, ऐसा सुख है, सुख जैसे विशेष संबंध में ऐसा सुख नहीं, सतह स्वाभाविक सतह सिद्ध आनंद शांति वो आनंद स्वरूप है, ये सच्चिदानंद परमात्म सत्य। अभी कितनी सुगम है और कितने सरल है और कितना प्रत्यक्ष है, संशय रहित विपर्य रहित, न संशय है न विपर्य है, विपर्य भावना है न असंभावना है, कोई है वो संभव भी नहीं है, वो है जो गो परमात्मा परिपूर्ण साम शांत सदिघन सदिघन है। अब शंका करो इसमें, जिस भाई के बहन के मन में कोई संदेह उत्पन्न होता हो, अरे प्रतिकूल में भी सत्ता है कि नहीं, अनुकूल में भी सत्ता है कि नहीं, भूल भूल कुछ नहीं, सत्ता सत्ता नहीं याद रखो,
अनुकूल से अनुकूल आवरण में सत्ता है, प्रतिकूल से प्रति मौत रूप आवरण, मौत में भी सत्ता है, जीने में भी सत्ता है, अमृत में भी सत्ता है, जहर में भी सत्ता है, जन्म में भी सत्ता है, मरण में भी सत्ता है, रोग में भी सत्ता है, निरोगता में भी सत्ता है, विद्या में भी सत्ता है, अविद्या में भी सत्ता है, मूर्ख में भी सत्ता है, ज्ञानी में भी सत्ता है। सत्ता तो एक ही, सत्ता में रहो, सत्ता में आओ, पता ही नहीं लगेगा उसका। अनुकूल परंतु है ही नहीं, बताओ सत्ता के सिवाय क्या, बताओ अनुकूलता के प्रतिकूलता क्या है सिवाय सत्ता के? सत्ता में ही रहो, नीचे क्यों रहे? छोरा होता है, छोटा बालक, वो क्या होता है, कोई कुछ छोरा ऐसा देखा है हमने जो गोदी लग जाए और नीचे गोदी से उतर रोने लग जाए? अब एक आदमी गोद रखना ही पड़े, क्या करे, माँ रखो, बाप रखो, भाई रखो, बहन रखो, कोई रखो, बहन तो गोद रखने पर उतरे ही हूँ, तो सत्ता नीचे उतर ही हूँ, नीचे उतर रोने लग जाए, अब क्या करे बताओ? सब घर वाले तंग आ जाए, बड़े बस छोड़े वो क्या करे, नीचे घर भाई गोदी लोग अब बीती हुई है कि नहीं है, माता जानते हैं हम इनकी गोदी में आए सब पहले है। गोदाकड़ो हो गयो, गोदी में रखते रखते स्वभाव हो गयो, अब नीच रहे वही गोदी तो थे गोदाकड़ हो जाओ, वहां तो सत्ता में रहेगा, सत्ता उन्नीस उतरेगा ही नहीं, चाहे कुछ आओ, बीमारी आवे तो, सीमारी आवे तो, शत्रु आवे तो, मित्र आवे तो, जन्म आवे तो, मृत्यु आवे तो, मौत आवे, मौत आ जाए तो, बीमारी आ जाए तो, संपत्ति आ जाए तो, विपत्ति आ जाए तो, घाटा लग जाए तो, मुनाफा हो जाएगा, लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, कमरे हो जाए, सिर चुके पर पेट नहीं भरता, तो पेट भरता नहीं भरता कुछ फर्क पड़ता है। एक नंबर सत्संग से हम उठ करके रात्रि में जा रहे थे, तो भाई उधर चले, भाई जी तो भाई जी ने भाई भाई जी अब मेरा हाथ लिया, मेरा हाथ लेकर ऊपर गया, मैंने संकोच किया, भाई जी क्या फर्क पड़े है, मेरा हाथ फैल गया, क्या फर्क पड़े, यूँ कर दी तो क्या फर्क पड़ गयो, यूँ कर दी तो क्या फर्क पड़ो, क्या फर्क पड़े, ऐसी महाराज वाणी उनकी निकली जो महाराज प्रकाश हुई एकदम, क्या फर्क पड़े बताओ, जहाज जा तो क्या फर्क पड़े, जीत जा तो क्या फर्क पड़े, धन आ जा तो क्या फर्क पड़े, दरिद्र आ जा तो क्या फर्क पड़े, जन्म गया तो फर्क क्या पड़ता है, मैं कह क्या फर्क पड़े, पूर्ण है पूर्ण, पूर्ण मजा पूर्ण विदम पूर्ण पूर्ण मुदे पूर्ण से पूर्ण मदाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते।